मैं डॉक्टर प्रदीप सूर्यवंशी सह्याद्री हॉस्पिटल नगर रोड से पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट का हेड आपसे बात कर रहा हूँ। आज हम विनिंग डाइट यानी कि 6 महीने के बाद बच्चों को क्या देना चाहिए इसके बारे में हम आज डिस्कस करना चाहते हैं। उसके पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बोलता हूँ कि हर एक बच्चे को माँ का दूध, सिर्फ माँ का दूध पहले 6 महीने देना है। जो बच्चा माँ का दूध लेता है वो सबसे अच्छा बच्चा, लेकिन 6 महीने के बाद वो माँ का दूध सफिशिएंट नहीं रहता है और दूध माँ का या ऊपर का भी सफिशिएंट नहीं रहता है, इसीलिए हमको ऊपर का डाइट चालू करना पड़ता है। वो हम कैसे चालू कर सकते हैं? जब बच्चा 6 महीने कंप्लीट हो जाएगा तो दूध जैसे कंसिस्टेंसी वाला लिक्विड डाइट वी हैव टू स्टार्ट। लिक्विड में हम क्या दे सकते हैं? सबसे ईजी चीज़ क्या होती है डाइजेस्ट होने के लिए? राइस वाटर, दाल्स वाटर, मूंग दाल अच्छी होती, नहीं तो कॉम्बिनेशन करो आप वेरियस दाल्स एंड राइस, इजी होता है। ऑल सूप्स, ऑल जूस, उसको आप मिक्स कर सकते हो लिक्विड फॉर्म में। प्रिकॉशन ये लेना है कि 1 साल तक हमें उसमें सॉल्ट शुगर नहीं डालना है, हमें स्पाइसेस नहीं डालना है, उसमें घी डालना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। शुरू में आप क्या करो, बच्चे का टेस्ट देखो, बच्चा टॉलरेट कर रहा है क्या, तो यू कैन ट्राई 10 स्पून, 20 स्पून। इफ बेबी टेक्स वेल यू कैन ट्राई हाफ कटोरी। इमीजिएटली इन 2-3 डेज यू माइट ट्राई 1 वाटी। बेबी लेता है अच्छी तरह से एंड बेबी विल टेल यू दैट आई एम एंजॉइंग। दूसरी बात यह ध्यान में रखना है कि आपको हर एक 2-4 दिन में चीजें चेंज करना है। आप एक ही चीज देंगे तो बच्चा टॉलरेट नहीं करेगा, बच्चा एक्सेप्ट नहीं करेगा, बच्चा खुश नहीं रहेगा, यानी कि हमें 2-3 दिन में डिफरेंट चीज़ें ट्राई करनी है। आप 20 चीज़ें ट्राई कर सकते हो, 50 चीज़ें ट्राई कर सकते हो लिक्विड फॉर्म में इनिशियली। शुरू में आपको दिन में 1 बार ट्राई करना है, आपको 5-7 दिन में अच्छा समझ जाएगा कि बच्चा एंजॉय कर रहा है। उसके बाद आप दिन में 2 बार ट्राई कीजिए, मॉर्निंग टाइम, आफ्टरनून टाइम, जब आपको टाइम मिलेगा, जब आप फ्रेश रहेंगे, बच्चा भी फ्रेश है, आप भी फ्रेश हो, बच्चे के नींद के टाइम में नहीं नेचुरली। 10-15 दिन के बाद बच्चा 2 टाइम अच्छा ले लेता है और 15-20 दिन के बाद बच्चा इंजॉय कर रहा है और बढ़ाओ, यू कैन गिव 3 टाइम्स अ डे। तो ये जो लिक्विड डाइट है उनको अच्छा लगता है। प्यूरी फॉर्म में स्लाइटली आप शिफ्ट हो सकते हो 3-4 हफ्ते के बाद, थोड़ा लिक्विड जो है उसको आप सेमी सॉलिड पे यानी कि प्यूरी फॉर्म में शिफ्ट हो सकते हो। जो 6 महीने हम लोग 100% मिल्क दे रहे थे, अभी आप 70% मिल्क, 30% ये कॉम्प्लीमेंट्री डाइट। 7 एंड 7.5 मंथ्स में आप 50-50% भी आ सकते हो। 9 मंथ्स में आप ऑलमोस्ट 50-70% डाइट एंड 30-40% मिल्क इस पे कर सकते हो। यानी कि धीरे धीरे हमें मिल्क कम करना है और डाइट बढ़ाना है, बिकॉज हमें सब प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, आयन सब कुछ मिलना चाहिए। मिल्क में वो सफिशिएंट नहीं होता है 6 महीने के बाद, और बच्चे ने जो लिक्विड मैंने 6 महीने में चालू किया, 7-7.5 मंथ्स में प्यूरी चालू किया, 9-9.5 मंथ्स में मैंने थोड़ा सा और सॉलिड चालू किया, बाय 1 ईयर आपका बच्चा आपका प्लेट में से सब कुछ खाना चाहिए। सो, हम लोग क्या सोच रहे हैं इस थीम में कि बच्चे को 6 महीने के बाद कॉम्प्लीमेंट्री विनिंग डाइट चालू कीजिए। शुरू में लिक्विड चालू कीजिए, शुरू में थोड़ा सा हाफ कटोरी, देन शिफ्ट टू फुल कटोरी। 2-3 दिन में आपको डाइट चेंज करना है, 8-9 मंथ्स में सेमी सॉलिड, बाय 1 ईयर यू कैन ट्राई सॉलिड होम डाइट, उतना हमें चाहिए। थैंक यू।